हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्राफ्ट पे ड्राफ्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको मेरे चैनल पे कुछ ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं जिसमें मैं पुराने पड़े सामान को रीयूज़ करके कुछ नई आइटम्स में कन्वर्ट करती हूँ जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में। सो आज की ये वीडियो भी उसी पर है और मेरे पास कुछ ये सामान खाली बॉक्स पड़े हैं, जैसे कि ये कैचअप की बॉटल है, ये एक बॉक्स क्रीम का बॉक्स है, ये ऑयल है एंड ये शैम्पू की बॉटल्स हैं। तो इनको रीयूज़ करके आज हम कुछ सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्रीम के बॉक्स को यूज़ करके एक सुंदर सा स्टोरेज बॉक्स बनाने वाली हूँ, जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान, इयररिंग हो गया, कुछ और चीज़ें रख सकते हैं एंड ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है। आप बने रहिए इस वीडियो में। मैंने क्या किया कि दूसरे बॉक्स का जो ढक्कन था ऑयल के बॉक्स को, उसके इसके बेस के रूप में इसके नीचे मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, जो मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके साथ में मैंने अटैच कर दिया, सो दैट ये नॉर्मल सिर्फ एक डब्बा ना लगे, ये थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट लगे। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर कलर कर देती तो ये नॉर्मल डब्बी ही रह जाती है, बट अब ये एक डिफरेंट एंड यूनिक लुक देगा। अब ये एक्चुअली ब्लू कलर के बेस में है, तो बाकी भी ब्लू कलर में कर दीजिए या जिस भी कलर का आपके पास डब्बा है उस कलर में रहने दीजिए, बेटर रहेगा। उसके ऊपर से कलर हटने का डर भी नहीं रहेगा। मैंने ये ब्लू कलर में ही कर दिया है पूरा का पूरा कवर एंड इसको थोड़ा सा सूखने के दीजिए। सूखने के बाद अगर इस बॉक्स के ऊपर से अगर कुछ नहीं उतर रहा है, कोई भी कलर नहीं आप छिपा पा रहे हो उसको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा आइडिया सोचिए जिससे आप उसके ऊपर लगा कर वो चीज़ें ये छुपा सकते हैं जो भी इसके ऊपर लिखा है। मैंने इसके अंदर इसके ऊपर जो है ये जूट की शीट ली है, सर्कल शेप में कट कर रही हूँ और मैं इसके बॉक्स के ढक्कन के ऊपर जो है इसको चिपका रही हूँ, सो दैट जो इसका बैकग्राउंड में लिखा हुआ है वो भी छुप जाए और ये जूट शीट जो है ये थोड़ा और अच्छा यूनिक लुक देगा। मैंने ग्लू गन की हेल्प से फटाफट इसको चिपका लिया है एंड अब ये गोटा पट्टी है, इजीली गोटा पट्टी, लेसेस, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल मार्केट में मिल जाती हैं। पहले मैं ये सोच रही थी वाइट लेस लगाने के लिए, बट अब मैंने गोटा पट्टी लगा दिया है कुछ गोल्डन गोल्डन सा, आई थॉट कि इसको बाकी भी गोल्डन कलर की लेसेस के साथ में ही डेकोरेट किया जाए। मैंने ये एक गोल्डन कलर की लेस ले ली है, ये भी बहुत इजीली लोकल मार्केट में मिल जाती है, आप देखिएगा बहुत सस्ते में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है, लोकल मार्केट में ट्राई कीजिएगा। मैं इसको जो है इसका किनारे किनारे जो है इसको चिपका दे रही हूँ इसी ग्लू गन की हेल्प से एंड ये देखिए ये लग ही नहीं रहा, ये ढक्कन एकदम लुक ही बदल गया ये लेस लगाते इसका। ये तो गई है चिपक एंड अब इसके बॉटम में भी हम इसको ही चिपका देंगे, क्योंकि एक तो ये जो है ये लेस ऐसी है कि आप इसको ऐसे राउंड की तरह चिपकाएंगे तो ये बहुत इजीली चिपक जाएगा। कुछ लेसेस ऐसी होती हैं जो चिपकाने पे दिक्कत होती है, बट इसका शेप ही ऐसा है इस लेस का, ये बहुत ईजिली चिपक रही थी एंड ऊपर एक्चुअली बॉक्स के ऊपर ढक्कन के ऊपर ऑलरेडी ये लेस लगा चुके हैं, तो नीचे भी लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए, तो मैंने नीचे भी इसको चिपका दिया है एंड इसके बीच में जो है अगर हम पूरा गोल्डन कलर का दे देंगे लेस तो उतना मज़ा नहीं आएगा, पूरा गोल्डन दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट में कर रही हूँ और इसमें बीच में मर्जेंटा कलर की लेस लगा रही हूँ। आप ऐसा कुछ बना रहे हैं एंड आपके पास अगर लेसेस नहीं है ऐसे बीच में लगाने के लिए, तो आप इसमें ग्लिटर भी लगा सकते हैं, लाइक फेविकोल से आप पूरा या किसी भी ग्लू से आप पूरा उसको लाइन्स बना दीजिए एंड उसके ऊपर आप ग्लिटर लगा दीजिए अगर आपके पास इतनी सारी लेसेस नहीं है। एंड इसको मिडल के अंदर मैंने लगा ये है राउंड शेप्स के मिरर जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं एंड ऊपर भी एक शेप लगा, सॉरी मिरर लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने ये मिरर लगा दिया है और ये हो चुका है रेडी, बहुत ही जल्दी रेडी हो गया एंड बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इसमें अपना बेशकीमती सामान जो भी आप इसमें रख सकते हैं एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये आपको कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लग रहा है। एंड हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट इन फ्यूचर भी आपको ऐसे बेहतरीन आइडियाज़, बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड एक लाइक भी दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। सेकेंड क्राफ्ट के लिए हमने ये ऑयल का बॉक्स ले लिया है एंड मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि इसका मुंह जो है ये थोड़ा सा छोटा है, इसमें हम कुछ सामान रखेंगे तो वो कम आएगा। इसको कट करने के बाद क्या इसका मुंह जो होगा, यानी कि जो ऊपर का मुंह जो खुला हुआ है वो चौड़ा हो जाएगा और उसमें हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं। इसके लिए मैं इसको ऊपर से थोड़ा कट कर रही हूँ एंड कट करने के बाद जो ये ऊपर का पोर्शन है ये अगेन मैं इसके बेस में यूज़ करने वाली हूँ, सो दैट ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक दे।
नॉर्मली एक डब्बे की तरह ना लगे जैसे मैंने पहले में यूज़ किया था पहले वाले क्राफ्ट में, वैसे ही मैं इसमें भी इसको चिपका रही हूँ सेम उसी तरीके से। सो ये चिपक गया है एंड इसको थोड़ा सा और सिक्योर कर लेते हैं ग्लू गन की हेल्प से। एंड अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ जूट शीट। सो मैं इसके ऊपर जूट शीट चिपका रही हूँ। आप जूट शीट ना हो तो आप कुछ और भी चिपका सकते हैं, लाइक आप इसके ऊपर कोई कपड़ा चिपका सकते हैं। कपड़ा नहीं है, कोई थिक पेपर है आपके पास तो आप थिक पेपर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बेसिकली क्या है, इसका मुंह जो ऊपर से ये कवर करने का है हमको, तो आपके पास जो भी है तो आप उसको रीयूज़ करके एक नया क्राफ्ट बना लीजिए, वो भी बेटर आइडिया रहेगा। सो मैं फटाफट जो है इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेती हूँ, क्योंकि ग्लू गन से क्या होगा ना बहुत जल्दी चिपक जाता है, फेविकोल से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो मैं इसलिए इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहे मुझे, या आप इस क्राफ्ट के बारे में, इन वीडियोस के बारे में, या मेरे चैनल के बारे में भी कुछ बताना चाहे मुझे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड एक लाइक भी दीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। सो ये ऑलमोस्ट चिपक गया है, अब इसको अंदर से भी चिपका देते हैं सो दैट ये अंदर से भी पूरा अच्छे से कवर हो जाए। सो फटाफट जो है मैं इसको अंदर से चिपका लेती हूँ। सो मैं तब तक आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ, जैसे कि ये डब्बों के ऊपर से हम जो स्टिकर्स निकालते हैं तो वो बहुत इजीली नहीं निकलते और कई बार वो अपना स्टेन भी छोड़ देते हैं पीछे, तो वो चिपचिपा सा लगता है एंड उसके ऊपर अगर पेंट भी करें या कुछ चिपकाए भी तो वो भी उतना बेटर नहीं होता। सो उसके लिए आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। सो गर्म पानी से कपड़े में भिगोइए और वो गर्म पानी से आप साफ़ करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए वो कंप्लीट हो गया था। नीचे मैंने एक जूट का थ्रेड ही लिया है, रस्सी ले लीजिए, कुछ और थिक आपके पास मोटा थ्रेड है तो वो लगा लीजिए बॉटम में। एंड वो चिपकाने के बाद मैं आप ले रही हूँ ये स्टिक्स। तो ये स्टिक्स जो है ये आइसक्रीम स्टिक नहीं है, आइसक्रीम स्टिक थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, बट ये भी स्टिक्स यूज़ होती है जैसे कि टी कॉफ़ी में शुगर्स वगैरह मिलाने के लिए, तो उसके लिए ये स्टिक्स यूज़ होती हैं। बट ये स्टिक्स बहुत सस्ती मिल जाती हैं एंड ये इजी भी रहती हैं कट करने के लिए, क्योंकि वो आइसक्रीम स्टिक इतनी जल्दी इजीली कट नहीं होती है एंड ये बहुत फटाफट कट हो जाती हैं, थोड़ी थिक भी होती हैं, तो ये भी अच्छा एक आइडिया है। तो मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाया था, आप भी चाहें तो ये अमेज़ोन से मंगवा सकते हैं। एंड मैं इसको पूरे इसके किनारे पे ये ही चिपका दे रही हूँ, ये स्टिक्स ही चिपका रही हूँ, एक डिफरेंट लुक हो जाएगा एंड स्टिक्स से एक अच्छा लुक आ रहा है। सो मैं फटाफट जो है इसको पूरा कवर कर लेती हूँ। सो ये देखिए ये हो गया कवर, बट नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा सेम नहीं है, ऊपर नीचे है। सो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पे कुछ और ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे वो छुप जाए। सो अब मैंने ले ली है रेड कलर की लेस एंड रेड कलर की लेस से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आपके पास रेड कलर की लेस नहीं है तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसके ऊपर कुछ ग्लिटर भी लगा सकते हैं, सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का ग्लिटर, फेविकोल लगाइए और ग्लिटर लगा दीजिए। या आप ये लेस, ऐसी लेस भी ले सकते हैं, कॉटन की लेस 5 रुपये मीटर 10 रुपये मीटर नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है लोकल मार्केट में। सो रेड कलर की लेस लगा दी है एंड अब इसके ऊपर मैं ये वाइट कलर की कॉटन लेस लगा रही हूँ। सो मैं ये बॉटम और नीचे, बॉटम में और ऊपर मैंने ये पूरा इसको कवर कर दिया इस लेस से एंड अंदर से भी देखिए मैंने इसको लेस को लगा दिया है सो दैट वो निकले ना, थोड़ा स्टेबल रहेगा। एंड अब मैं यहाँ पे एक बो रेडी कर रही हूँ, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, बहुत इजी है वो बनाना, आप ध्यान से देखिए और बहुत इजीली है, बहुत जल्दी बन जाता है। सो मैंने फटाफट इसको बो को कर लिया है रेडी एंड अब हम इस बो को चिपकाएंगे इस बॉक्स के ऊपर। सो ये बो जो है मैं चिपका रही हूँ एंड अब इसका आप देखिए फाइनल लुक। एंड ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लग रहा है, क्या ये लग रहा है कि हमने इसको एक डब्बे से बनाया है एंड हम इसको कैसा पेन स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र, ब्रशेस वगैरह रखने के लिए, मेकअप ब्रशेस रखने के लिए, कुछ और सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ये जूट शीट या कोई कपड़ा है ना पूरा अंदर तक भी कवर कर दीजिए इसके, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी में बनाया है तो आप उसको अंदर से भी कवर कर देंगे, वो और अच्छा लुक देगा एंड वो और अच्छा टाइम चलेगा भी। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्राफ्ट पे, जिसमें मैंने ले ली है ये कैचअप की बॉटल।
सो केचप की बॉटल पे मैं कुछ कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास जो कलर्स हैं उनमें मैं ले रही हूँ नियॉन कलर्स। सो मैंने ले लिया है यहाँ पर पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। इनमें से दो या तीन कलर मैं जो है मिक्स करके इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पिंक ले लिया है, मरजेंटा जिसको कह सकते हैं। एंड इसको मैं जो है ब्रश की हेल्प से नहीं बल्कि स्पॉन्ज की हेल्प से लगाऊंगी। ब्रश से मेरे को क्या लगता है ना, थोड़ा सा ना स्ट्रोक रह जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं। सो मुझे इतना पसंद नहीं आता इन सब चीज़ ऐसे तरीके की चीज़ों पे करने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्पॉन्ज यूज़ करना प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि स्पॉन्ज से एक तो बहुत जल्दी लग जाता है एंड वो टेक्स्चर ही अलग आता है स्पॉन्ज से। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पिंक कलर। सो पिंक के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मरजेंटा कलर एंड थोड़ा थोड़ा ना सूखने देंगे, पूरा एकदम से सूखने मत देना क्योंकि वो फिर ब्लेंड नहीं होगा, आपस में कलर मिक्स नहीं होंगे। तो हल्का हल्का सूखे ताकि वो हटे भी ना। सो पिंक लगा लिया, ऑरेंज लगा लिया, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ येलो कलर एंड इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन का टचअप भी देंगे। सो ये देखिए कितनी सुंदर बॉटल लग रही है। मुझे लगता है कि ये कलर ही इतने सुंदर लग रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर हम क्या और कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं इस पर वॉर्निश कर रही हूँ। वॉर्निश स्प्रे है मेरे पास, तो इस वॉर्निश स्प्रे भी ले सकते हैं आप, और लिक्विड भी आता है ऑनलाइन अमेजोन और बाकी सब साइट्स पे बहुत इजीली मिल जाएगा। उससे क्या होगा, ये कलर जो है ये लॉक हो जाएंगे, ये कलर्स नहीं निकलेंगे, जैसे गीला हाथ लग गया या और सब चीज़ें से ये कलर्स जो है वो लॉक हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे। सो इसलिए वॉर्निश करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई भी कलर लगाएं। सो अब इसके बाद मैं इस पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं इस पर मिरर्स लगा सकते हैं हम किसी शेप पे, मेरे पास ये ट्रायंगल कलर के मिरर्स हैं। सो मैं ये लगा रही हूँ, और या फिर आप इसके ऊपर लेसेस लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये गोटा पट्टी वाली लेस है जो मैंने पहले वाले क्राफ्ट में यूज़ की थी एंड ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है आप देखिए। बट मुझे इस तरीके का कुछ बनाना नहीं था, तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि हम इस पर क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। एंड एक और लेस है मेरे पास, ये भी मिरर वाली लेस है, तो आप इसको भी अच्छा पास पास करके लगाएंगे तो ये भी बहुत सुंदर लगेगी। बट मुझे थोड़ा सा सिंपल रखना।